साल 2023 के स्टार्ट होने के साथ साथ वीडियोस के व्यूज का कम होना, क्या YouTube का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है, क्या YouTube शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करना चाहता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। YouTube की जो वीडियोस की पॉलिसी है, अभी हमारे व्यूज कम हो चुके हैं, उसकी रीजन क्या है, YouTube का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है या YouTube शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करना चाहता है? तो दोस्तों, ये दोनों चीजें रीजन हो सकती हैं इस तमाम चीजों की कि आपके वीडियोस के व्यूज कम आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये तो कंफर्म चीज है कि YouTube शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करना चाह रहा है। अगर आप आज भी YouTube चैनल बनाते हैं और उसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आपकी तमाम की तमाम शॉर्ट वीडियोस आपके चैनल को वायरल कर सकती हैं। उसके बाद बारी आती है कि 2023 के स्टार्ट होने के साथ साथ हमारे व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पता है कि हर साल चेंज होता रहता है। पहले क्या होता था, यूट्यूब आपकी वीडियोस को थंबनेल की बेस के ऊपर लोगों को दिखाता था, लेकिन 2023 में यूट्यूब चाह रहा है कि रियल क्रिएटर आए और वो वाली वीडियोस मैं प्रमोट करूं जो कि जिसके ऊपर ऑडियंस रिटेंशन हो और उनके ऊपर इंगेजमेंट जो व्यूअर की तरफ से होती है वो हो। तो उन तमाम कंटेंट को बनाने के लिए आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपनी बेसलाइन बनाना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल बनानी पड़ेगी, आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी को अच्छा बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका विजुअल भी अच्छा होना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम चीजें आप डिपेंड कर रही होंगी आपकी व्यूअरशिप के ऊपर, आपकी ऑडियंस के ऊपर। कहने का मकसद ये है कि YouTube आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, बल्कि YouTube चाह रहा है आप आएं, आप रियल कंटेंट के साथ आएं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अगर आप रियल कंटेंट के साथ अपनी ऑडियो विजुअल अच्छा बना के आते हैं तो आपकी वीडियोस को रैंक करेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि YouTube ने अभी न्यू चैनल्स के लिए, न्यू क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज निकाली है, जिसमें YouTube ने कहा है कि मैं अब YouTube की सर्चर बॉक्स में, जिस तरह से लोग आपकी वीडियोस को या आपकी कंटेंट से रिलेटेड कोई सर्च करते हैं, तो आपकी वीडियोस उन तमाम क्रिएटर्स के साथ जो कि पुराने क्रिएटर हैं या उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और आपके 1000 भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, तब भी आपकी वीडियोस रैंक हो सकती हैं, क्योंकि YouTube ने कहा है मुझे रियल लोग चाहिए, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपलोड पर्सन नहीं चाहिए जो कि डेटा को बस अपलोड करते रहें और व्यूअरशिप हासिल करते रहें। तो दोस्तों, YouTube को चाहिए अच्छे क्रिएटर, आप भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी SEO बेटर कर सकते हैं, अगर आप न्यू क्रिएटर भी हैं, तब भी आपकी वीडियोस पुराने क्रिएटर से भी आगे निकल सकती हैं। दोबारा कह रहा हूं, इंगेजमेंट आपकी बेटर हो, आपकी रियल कंटेंट हो और उसके साथ साथ आप न्यू लोग भी हैं, तब भी आपकी वीडियोस रैंक होंगी, अगर आपने अपनी वीडियोस की SEO भी बेटर कर ली।